वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे डिटरमिनर्स का सेकंड पार्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहले पार्ट में हमने सीखा था कि किस प्रकार से बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल आसान ट्रिक्स के माध्यम से हम आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से बाकी के जो डिटरमिनर्स हैं, बाकी के जो भी इसका दूसरा हिस्सा है, उसको हम किस तरह से सीख सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक और देखिए किस प्रकार से हम बड़े ही आसान तरीके से इन्हें सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स हो जाइए तैयार और समझते हैं अपने छोटे छोटे रूल्स के द्वारा, छोटे छोटे टिप्स के द्वारा कि कैसे इन नियमों को हम समझ सकते हैं और अपने यूज में ला सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम शुरुआत करते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर से। डेमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ होता है प्रदर्शन, यानी कि दिखाना, किसी चीज के बारे में बताना। तो यहाँ पर कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स हम लोग देखने के लिए रखते हैं। सबसे पहला जो है दिस, यह डिटरमिनर बहुत ही कॉमन है और अक्सर हम लोग इसका प्रयोग अपने सेंटेंसेस में करते हैं। यह एक सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है, सिंगुलर संज्ञा के लिए किया जाता है जो कि पास में स्थित होती है। जो वस्तु हमारे पास में स्थित हो और उसके बारे में जब हम बताते हैं तो हम हमेशा उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, लिखा है दिस बुक इज गुड, यह किताब अच्छी है। तो हम लोगों को पता है कि हम जब दिस का प्रयोग कर रहे हैं तो यह इस किताब के बारे में है और इस किताब को हम बताना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं कि यह पास में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा, दिस बुक इज माइन, फिर से एक किताब के बारे में बताया जा रहा है कि यह किताब मेरी है। दिस बुक यानी कि यह किताब, यह किताब मतलब दिस के द्वारा बताया जा रहा है कि पास में रखी गई है। देखिए दूसरा जो है वह है दैट। दैट जो है वह भी सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर एक चीज है, वह यह है कि दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। जो वस्तु दूर स्थित हो और जिसके बारे में हमें प्रदर्शन करना है, बताना है, उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। नॉर्मली जब हम हिंदी में दैट का अर्थ देखते हैं तो इसको हम वह से समझते हैं। जैसे हम दिस के लिए यह शब्द प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में सामान्यतः हम दैट के लिए वह शब्द का प्रयोग करेंगे। और यह दूर की बातों को बताता है। जैसे यहां लिखा है दैट हाउस इज फॉर सेल, वह घर बिकने के लिए है, बेचने के लिए है। आगे लिखा है दैट फ्लाइंग बलून इज वेरी नाइस, वह उड़ता हुआ गुब्बारा बहुत ही अच्छा है। हम समझ सकते हैं यहाँ इस एग्जाम्पल से कि जब गुब्बारा उड़ रहा है तो हमारी पहुंच से दूर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं। और आगे जो नाउन दिया गया है वो आप देखिए, वह एक सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पर दैट का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला डिटरमिनर्स क्या है। अगला जो डेमोन्स्ट्रेटिव है वह है हमारा दीस शब्द जो है वह प्लूरल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि निकट होता है, जो कि पास में होते हैं। एक से अधिक जब नाउन की हम बात करेंगे तो स्टूडेंट्स हम प्लूरल नाउन के लिए हम दीस शब्द लगाएंगे। दिस का ठीक उल्टा दीज होता है, यानी दिस जो है वह एकवचन के लिए है और पास के लिए है, जबकि दीज जो है वो बहुवचन के लिए है, लेकिन ये भी क्या है, पास के लिए ही होता है। और देखिए बच्चों, दीज शब्द के एग्जांपल्स यहां हमने लिखे, दीज काउस आर फ्रॉम माय विलेज। हम लोग यहां पर दीज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं किसको दिखाने के लिए, काउ की स्थिति, काउज यानी बहुत सारी गायें, एक से अधिक गायें, उनकी स्थिति बताने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए हम यहां पर दीज लगाते हैं। अगला देखिए, दीज कैप्स आर वेरी कॉस्टली, वे टोपियां बहुत ही महंगी हैं, बहुत ही महंगी हैं। हम किसकी बात करें, कैप्स। कैप शब्द क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, और हम इनकी स्थिति बता रहे हैं कि कहां पर स्थित है,
यह निकट स्थित है और इसी वजह से हमने यहां पर दीज का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला है दोज। जिस प्रकार दीज का प्रयोग प्लूरल के लिए यानी बहुवचन के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से दोज का प्रयोग भी बहुवचन के लिए किया जाता है। लेकिन यहां पर एक चीज का हमें ध्यान रखना है, वो ये है कि यह दूर स्थित बहुवचन के लिए किया जाएगा। जो चीजें, जो नाउन, जो वस्तुएं हमारे पहुंच से दूर है, हमारे हमसे कुछ दूरी पर स्थित है, उनसे पहले हम दोज शब्द लगाएंगे। और ध्यान रखना है कि ये क्या होना चाहिए, ये प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन होना चाहिए। ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जो कि बहुवचन हो, उनके लिए हम दोज शब्द लगाएंगे। देखिए लिखा है दोज बॉयज आर स्टूडेंट्स, वह लड़के, वे लड़के स्टूडेंट्स है। यहां पर दोज का यदि हम हिंदी करते हैं, यदि उसका अर्थ निकालें तो दोज का अर्थ आता है वे, ठीक है। और हम जानते हैं वे अर्थ तब देता है जब कोई स्थिति, जब कोई वस्तु दूर स्थित हो, या जब कोई नाउन, अब नाउन के अंदर हमारे जीवित प्राणी भी आ सकते हैं, मनुष्य भी आ सकते हैं, और निर्जीव प्राणी या निर्जीव वस्तुओं का भी प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल का, Those flying kites are black. यहां पर हम देख सकते हैं flying kites की बात कर रहा है। जब kite flying यानी कि जब पतंग को उड़ाया जाता है तो वो कहां होती है, वो दूर होती है। और यहां पर पतंगों की स्थिति बता रहा है कि पतंग क्या है, एक से अधिक है। एक से अधिक होने के अर्थ में हम यहां पर दोज लगा देंगे। तो देखा स्टूडेंट्स किस प्रकार से कभी कभी वाक्य में, वाक्य दिया गया जो होता है उसकी स्थिति को पढ़ के भी हमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वहां दीज लगेगा या दोज लगेगा। कोई भी हाथ में पतंग को पकड़ के रखता नहीं है, उसे क्या करते हैं, उड़ाया जाता है। और जब पतंग उड़ाई जा रही है तो वो क्या होगी, दूर होगी। और दूर होने की स्थिति में हम क्या करेंगे, हम वहां पर दोज का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखा आपने किस तरह से हमने दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले डिटर्मिनर्स को हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम उसके यूजेस को, उसके प्रयोगों को सीख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर अगला डिटर्मिनर्स है, वो है पजेसिव यानी अधिकार संबंधित प्रोनाउन, अधिकार संबंधित डिटर्मिनर्स। इस डिटर्मिनर्स को हम लोगों ने पहले के वीडियो में भी बड़ी अच्छी तरीके से समझा था और जाना था। एक बार फिर से चलिए इसको समझते हैं हम लोग के किस तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह डिटर्मिनर्स जो है यह प्रोनाउन का ही एक रूप है और इसके अंदर देखिए माय, आर, योर्स, हिज, हर, इट्स और दियर, यह प्रोनाउन आते हैं। अब इन प्रोनाउन का यूज करना बड़ा ही आसान होता है, इनका प्रयोग करना बड़ा ही आसान है। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर कुछ बातें हम अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो आपको इन प्रोनाउंस को समझने में, इस पजेसिव डिटर्मिनर को समझने में बड़ी ही हेल्पफुल होने वाली है। पहली बात जो हम देखते हैं वो है सदैव किसी नाउन के साथ आते हैं, अर्थात ये जो पजेसिव प्रोनाउन है कभी अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ में हमेशा एक नाउन का होना जरूरी है। और जब ये नाउन के साथ जुड़ जाते हैं, देखिए आगे हमने लिखा है जब ये किसी नाउन के साथ जुड़ते हैं तो यह निश्चय करते हैं कि वह सिंगुलर है अथवा प्लूरल है, जैसे हम पहले एग्जाम्पल में देख सकते हैं। देखिए यहां लिखा है माई फ्रेंड्स कम हियर डेली, तो देखिए यहां जो माई शब्द है वह पजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन माई का अपने आप में कुछ भी अर्थ नहीं होता है तब तक जब तक कि उसके साथ में एक नाउन ना जुड़ जाए। अब ये जुड़ने वाला नाउन ये डिसाइड करेगा कि जो माई शब्द है ये एक वचन है या बहुवचन है। अब हम जैसा कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं माई के साथ फ्रेंड्स जुड़ा है और फ्रेंड्स में फ्रेंड्स शब्द क्या है, प्लूरल है। जब ये बहुवचन होने की स्थिति में है तो अब ये दोनों मिलकर
बहुवचन बन गए, यानी कि प्लूरल बन गए हैं, और इसी के अनुसार आगे जो वर्ब है वह निर्धारित की जाती है। देखिए दूसरा एग्जांपल लिखा है डियर फादर। अब हम जानते हैं डियर शब्द जो है वह दे से बना होता है, और हम जानते हैं दे जो है वह प्लूरल है, लेकिन डियर जो है वह ना सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, तब तक जब तक कि उसके साथ फादर शब्द न जुड़ा हो। अब हम देखते हैं फादर जो शब्द है वह यहां पर सिंगुलर है, एकवचन है, अर्थात अब ये पूरा शब्द एकवचन कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा, और ये दोनों अब दो नहीं परंतु एक ही शब्द काउंट किए जाते हैं, यह दोनों मिलकर एक ही शब्द काउंट किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। लिखा है हर टीचर्स, यानी कि हर किससे बना है, शी से बना है, शी क्या है सिंगुलर है, लेकिन उससे बना है हर, और हम जानते हैं कि हर अपने आप में कुछ भी नहीं है तब तक जब तक कि उसके साथ में कोई नाउन ना जुड़ जाए। तो हम देखते हैं यहां पर टीचर्स शब्द जुड़ा है जो कि क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, और बहुवचन होने की स्थिति में हम अब इन दोनों को एक मानते हुए प्लूरल के अकॉर्डिंग मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखा स्टूडेंट्स, ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन थे जिसको हमने पहले भी देखा था, एक बार फिर से हमने यहां पर इसको समझने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला डिटर्मिनर्स कौन सा है। अगला डिटर्मिनर्स जो हमारे सामने है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, वह है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी विभाजित करने वाला, यानी कि बांटने वाला, किसी वस्तु यानी कि किसी नाउन को किसी निश्चित वर्ग में बांटने के लिए जिन डिटर्मिनर्स का प्रयोग किया जाता है उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। देखिए इसके अंदर जो पहला है वह है ईच। इसका प्रयोग तब करते हैं जब व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या सीमित और निश्चित होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनका प्रयोग यानी ईच का प्रयोग तब करेंगे जब किसी नाउन की संख्या, है ना, हम जानते हैं कि व्यक्तियों और वस्तुओं को क्या कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं, यानी कि किसी नाउन की संख्या सीमित हो और साथ में क्या होनी चाहिए, निश्चित भी होनी चाहिए, दोनों बातें सीमित और निश्चित होनी चाहिए, तब हम लोग ईच का प्रयोग करेंगे। देखिए बड़ा आसान सा है ये, हम लोग यहां पर लिखते हैं ईच बॉय मस्ट हैव हिज ओन बुक, प्रत्येक बच्चे के पास उसकी अपनी पुस्तक होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि यहां पर प्रत्येक लड़के की बात हो रही है जिसके पास अपनी पुस्तक होनी चाहिए, तो हम समझ गए कि यहाँ किसी क्लास की बात हो रही है, किसी ऐसे स्थान की बात हो रही है जहां पढ़ाई हो रही है, और हम जानते हैं ऐसे स्थान में जो संख्या होगी वह निश्चित होगी, सीमित भी होगी और निश्चित भी होगी, हम उसे काउंट कर सकते हैं, हम उसे गिन सकते हैं। ऐसे में हम बॉयज से पहले, बॉय के पहले क्या लगा देंगे, ईच लगा देंगे, क्योंकि वहां जो नाउन की संख्या है वह क्या है, सीमित है और क्या है, निश्चित है। देखिए दूसरा एग्जांपल यहां पर लिखा है ईच प्लेयर विल प्ले अ गेम, लिखा है ईच प्लेयर विल प्ले ए गेम, हमें मालूम है प्लेयर किसी भी टीम में हो, चाहे दो का टीम हो, चाहे 10 की टीम हो, चाहे 11 की टीम हो, तो वहां पर प्लेयर की संख्या जो है वो क्या हो गई है, निश्चित है और क्या है, सीमित भी है, इसलिए हम लोग जान गए कि सीमित और निश्चित संख्या होने पर ईच का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, यहां पर प्लेयर की संख्या गेम में दिखाई गई है, लिखा है ईच प्लेयर विल प्ले अ गेम, यानी प्रत्येक खिलाड़ी एक गेम खेलेगा। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि किस तरह से ईच का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर और कौन कौन से हैं। देखिए बढ़ते हैं आगे, अगला जो है वह है एवरी। देखिए एवरी शब्द दो से अधिक व्यक्तियों
वस्तुओं के लिए जब संख्या अनिश्चित हो। ईच में हमने देखा था कि निश्चित है और सीमित है, यहां हम देखते हैं कि जो नाउन है व्यक्तियों और वस्तुओं अर्थात नाउन की बात हो रही है, वहां पर जब संख्या क्या हो गई है अनिश्चित है, यानी ना तो वो सीमित है और ना ही उसका निश्चय है कि वो कितनी हो सकती है। इसलिए हम अब इन नाउन से पहले एवरी लगा देंगे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ईच था सीमित के लिए और निश्चित के लिए, जबकि एवरी है असीमित और अनिश्चित के लिए, ठीक है। और दोनों ही का प्रयोग नाउन से पहले हो रहा है, अर्थात वस्तुओं या व्यक्तियों, नाउन है से पहले हो रहा है। देखिए आगे लिखा है, एग्जांपल, एवरी वर्ड ऑफ दिस बुक इज ट्रू, लिखा है इस किताब का प्रत्येक शब्द सही है। तो हम नहीं जानते कि इस किताब में जो संख्या है, शब्दों की जो संख्या है, वह निश्चित है या सीमित है, है ना। किसी भी किताब के अंदर शब्दों की संख्या सीमित नहीं हो सकती, असीमित हो सकती है, निश्चित भी नहीं हो सकती है। इसलिए हम अब इस नाउन से पहले एवरी शब्द लगाते हैं, एवरी लगाएंगे न कि ईच लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए, एवरी सिटीजन मस्ट रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम, प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रगान का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो किसी देश के जो नागरिक है वह सीमित नहीं हो सकते या निश्चित नहीं हो सकते, हमेशा कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं, उनकी संख्या हमेशा अधिक हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। इसलिए हम यहां पर भी सिटीजन से पहले ईच न लगाकर एवरी लगाएंगे। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला डिटर्मिनर्स हमारे सामने जो है वह है ईदर। यह एक अफर्मेटिव शब्द है। ईदर क्या है? एक अफर्मेटिव यानी कि साधारण शब्द है, या हम इसे कह सकते हैं कि यह एक पॉजिटिव सकारात्मक शब्द है, यानी कि इनका प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाएगा जो कि साधारण यानी सकारात्मक होते हैं, ठीक है। और इनका प्रयोग होता कैसे है? देखिए, इनका प्रयोग तब होता है जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों में से किसी एक की बात की जा रही हो, दोनों में से कोई एक की बात हो रही हो, वस्तुओं, व्यक्तियों, जानवरों, पक्षियों, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग के लिए जब कोई बात की जाएगी, और जहां हमारा वाक्य सकारात्मक होगा और जहां पर दो की बात हो, तो आप समझ जाइए वहां पर हमेशा ईदर लगेगा, ठीक है। देखिए आगे एग्जांपल, देखें एग्जांपल से समझते हैं कि हम किस प्रकार से इन शब्दों को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहां लिखा है ईदर बाइक वॉज गुड फॉर मी, मेरे लिए दोनों में से एक बाइक सही है, गाड़ी सही है। यहां पर बाइक, किसी बाइक के बारे में बात हो रही है और उनमें से ईदर, दोनों में से एक की बात की जा रही है, ठीक है। और ये देखिए यहां पर जो हमारा वाक्य है वो अफर्मेटिव यानी साधारण है। हमेशा ध्यान दीजिए, साधारण वाक्य किसी सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होता और अंत में हमेशा आखिर में फुल स्टॉप दिया जाता है। यह एक प्रकार की ट्रिक है जिसके द्वारा हम इसे पहचान सकते हैं। देखिए दूसरा वाक्य, ईदर शर्ट इज परफेक्ट प्रिफरेबल, यानी प्रत्येक शर्ट जो है वह प्रिफरेबल है, वह उचित है, वह ठीक है, यानी कि किसी दो शर्ट की बात है और दोनों में से किसी के लिए भी यह शब्द आया है, मतलब दोनों ही के बारे में जो उपयुक्त है उसके लिए हमने ईदर के द्वारा इसे समझाया है। ईदर ही से क्यों समझाया है? क्योंकि हमारा वाक्य कैसा है? साधारण है, नेगेटिव नहीं है, और दोनों में से एक की बात होने के कारण हम लोग यहाँ ईदर लगा देते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला डिटर्मिनर हमें क्या बता रहा है और अगला डिटर्मिनर्स कौन सा है। देखिए लिखा है नीदर। नीदर जैसे हमने ईदर का प्रयोग किया वैसे ही नीदर का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु इसमें अब एक अंतर है। देखिए ईदर जो था वो पॉजिटिव था, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में उसका प्रयोग किया जाता था, जबकि नीदर जो है वह नेगेटिव के अंदर प्रयोग किया जाता
है, यानी कि जब हमारा वाक्य नेगेटिव होगा तब हम किसी दोनों में से कोई एक जब न हो। अब की बार देखिए, नहीं के अर्थ में आ रहा है, नेगेटिव का अर्थ क्या होता है, नहीं है ना। नेगेटिव के लिए हम नीदर लगाएंगे और अफर्मेटिव के लिए हम ईदर का प्रयोग करते हैं। बड़े आसान तरीका है समझने का, यानी कि दोनों में से कोई एक हो यानी अफर्मेटिव हो तो ईदर, और जब दोनों में से कोई भी ना हो तो हम नीदर यानी कि नेगेटिव सेंस के लिए इसका प्रयोग करेंगे। अब एक बात यहां हमें और ध्यान रखनी है कि ऐसे सेंटेंसेस में Not या no जैसे शब्द नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि जो neither है वो अपने आप में ही no या not का sense देता है, ये अपने आप में ही एक negative शब्द है। चलिए आगे देखते हैं इसके examples। लिखा है neither boy completed this task, दोनों ही लड़कों ने अपना कार्य नहीं किया। हम दोनों ही के लिए इस बात को कह सकते हैं कि किसी ने भी अपना कार्य नहीं किया। अब नहीं का अर्थ कहां पर है? नहीं का अर्थ हम नीदर में देखते हैं, ठीक है। नीदर क्या है? नेगेटिव है, और नेगेटिव में हम क्या देखते हैं? नॉट का अर्थ देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा है नीदर ऑफ यू गेव करेक्ट आंसर। इसकी हिंदी कैसे करेंगे? इसकी हिंदी होगी तुम दोनों ही ने सही आंसर नहीं दिया, तुम दोनों में से किसी ने सही आंसर नहीं दिया, ठीक है। तब जहां पर भी नेगेटिव का सेंस आएगा तो हम नीदर लगा देंगे। ये था नीदर जो नेगेटिव सेंस में था। और अब हम लोग देखते हैं आगे अगला कौन सा डिटर्मिनर्स हमारे सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला जो है वह है न्यूमेरियल्स, यानी कि संख्या बताने वाले, यानी कि संख्या बताने वाले ऐसे डिटर्मिनर्स अब जो किसी संख्या को बताते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वह है सम। पहला जो है वह है सम। सम का अर्थ होता है कुछ। सम का अर्थ क्या होता है? कुछ। और यह एक अफर्मेटिव शब्द होता है, यह एक अफर्मेटिव शब्द होता है, ठीक है। इसका प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले करेंगे। देखिए, जब हम न्यूमेरियल्स का प्रयोग करेंगे, जब हम इसे एक न्यूमेरियल्स की तरह देखेंगे, तब हम इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। आगे हम जब आगे बढ़ेंगे और दूसरे डिटर्मिनर्स के बारे में देखेंगे तब हम सम का प्रयोग एक बार फिर से करेंगे, और तब वहां इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी किया जाता है। लेकिन अभी बात हो रही है न्यूमेरियल्स के लिए, यानी कि संख्या बताने वाले डिटर्मिनर्स के लिए। और जहां पर संख्या बताने वाले डिटर्मिनर्स का नाम आएगा वहां पर यह काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका देखते हैं पहला रूल। पहला रूल क्या बताता है? पहला रूल कहता है कि जब दिया गया वाक्य अफर्मेटिव हो, यानी कि दिया गया वाक्य जब साधारण हो, तब हम उसमें सम का प्रयोग करेंगे, वो भी किसी नाउन से पहले, ठीक है। नाउन से पहले हम किसी भी जब वाक्य में अफर्मेटिव देखेंगे तो उसके लिए सम का प्रयोग करेंगे। देखिए यहां पर लिखा है आई नीड सम बुक्स। हमने देखा कि ये वाक्य कैसा है? साधारण है, और बुक्स की संख्या क्या है? काउंटेबल है। तो हमने यहां पर सम का प्रयोग कर दिया। देखें अगला एग्जांपल, द टीचर आस्क मी सम क्वेश्चंस। यहां लिखा है सम क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस जो है वह क्या है? जो पूछे गए क्वेश्चंस क्या हैं? काउंटेबल हैं। और हमारा वाक्य कैसा है? साधारण है, तो हमने सम का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या कहता है? जब दिया गया वाक्य नकारात्मक या नकारात्मक और प्रश्नवाचक हो। ये देखिए दोनों बातें होनी चाहिए। नेगेटिव यानी कि वाक्य में क्या होना चाहिए? नॉट होना चाहिए। इंटरोगेटिव यानी वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। ये दोनों जब किसी एक ही वाक्य में एक साथ हो तो हम लोग सम का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा है
डोंट, यहां पर देखिए नॉट है, शॉर्ट में लिखा है डोंट, इसको फुल फॉर्म कैसे लिखेंगे, डू नॉट, डू नॉट को साथ में लिखने पर डोंट बन जाता है, आ गया, यानी कि नॉट आ चुका है, अब क्या बच गया है, क्वेश्चन मार्क बच गया है, तो ये रहा क्वेश्चन मार्क, और हम लोग अब देखते हैं कॉइंस लिखा है, यानी कि काउंटेबल नाउन, और उसके लिए क्या लगा देंगे, सम लगा देंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक इस प्रकार इस वाक्य में देखिए, वाज ही नॉट रीडिंग सम न्यू बुक्स, क्या वह कुछ नई किताबें नहीं पढ़ता पढ़ रहा था, तो यहां पर हमने देखा वाक्य में आया है नॉट और अंत में आया है क्वेश्चन मार्क, और दोनों के आने पर केवल एक ही डिटरमिनेंस लगता है, और वो क्या है, वह है सम। तो हमने देखा कितनी आसानी से सम का रूल समझा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगला रूल, सम का जो अगला रूल है वो हम लोग यहां देखते हैं। देखिए सम का अगला रूल क्या कहता है, सम का अगला रूल है, बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, देखिए लिखा है ऐसी निश्चित संख्या, ऐसी निश्चित संख्या, हमें पहले से ही किसी संख्या के बारे में निश्चय है जो क्या हो, लगभग हो, लगभग हो का सेंस देती है, क्या देती है, अर्थ देती है, भाव देती है, ठीक है, किसी वाक्य में ऐसी संख्या हो जो कि निश्चित तो हो परंतु लगभग होने का जब अर्थ देगी तो हम क्या करेंगे, ऐसे साधारण वाक्यों में, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ऐसे साधारण वाक्यों में हम सम का प्रयोग करेंगे। लिखा है देयर आर सम 30 स्टूडेंट्स इन द रूम, रूम के अंदर 30 स्टूडेंट्स क्या है, निश्चित संख्या है, और निश्चित संख्या होने का क्या दे रहा है, भाव दे रहा है, इसलिए हमने सम का प्रयोग किया है। वहां लगभग 30 यानी 30 स्टूडेंट्स रूम्स में हैं, ठीक है, लगभग निश्चित संख्या है कि 30 के आसपास हैं, और लगभग के सेंस में सम लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लिखा है ही स्पेंट सम 3 वीक्स, यहां पर फिर से लगभग निश्चित संख्या आ गई है, निश्चित संख्या आ गई है जो कि लगभग का सेंस दे रही है, और लगभग के सेंस के अर्थ में हम लोग क्या लगाएंगे, सम। देखिए वाक्य का, वाक्य को देखिए, वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव है, और जब वाक्य अफर्मेटिव हो, साथ में दी गई संख्या निश्चित हो और लगभग का सेंस दे, तो क्या ये प्रयोग किया जाता है, सम का प्रयोग किया जाएगा। तो देखा स्टूडेंट्स किस प्रकार से हम इस सम को आसानी से समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा सम का प्रयोग, अब हम चलते हैं आगे इसके एक और रिश्तेदार के पास में जो है एनी। जी हाँ स्टूडेंट्स, एनी जो है वो सम का ही भाई है, लेकिन यह सम से बिल्कुल अपोजिट है। देखते हैं पहले इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि इसका नेचर कैसा है और ये किस तरह से व्यवहार करता है। देखिए एनी का अर्थ होता है कुछ, एनी का अर्थ क्या है, कुछ, जैसे सम का अर्थ भी कुछ है, एनी का अर्थ भी कुछ होता है, लेकिन यह एक नेगेटिव वर्ड है, यह एक नकारात्मक शब्द है, और इसका प्रयोग भी काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, न्यूमेरियल्स के अंदर, न्यूमेरियल्स डिटर्मिनर के अंदर जो एनी है उसका काउंटेबल के लिए ही प्रयोग किया जाएगा, जहां इसका अनकाउंटेबल के लिए होगा वो आगे आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे और आपको समझाएंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि कैसे यह कार्य करता है। देखिए पहला रूल बड़ा आसान सा है, पहला रूल कहता है कि जब दिया गया वाक्य नेगेटिव हो, यानी कि जब हमारे सेंटेंस में नॉट आता है, सिर्फ नॉट, ध्यान रखिए इस बार केवल हम नॉट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यदि वाक्य में नॉट है और वाक्य फुल स्टॉप के साथ समाप्त हो जाता है, तब हम किसी नाउन से पहले एनी का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, यहां पर दिया गया हैवेंट, यानी कि हैव और नॉट को जोड़कर लिखा गया है हैवेंट, तो हम समझ गए कि इसमें नॉट है, और जहां पर नॉट आ गया यानी कि नेगेटिव हो गया, वहां पर किसी भी नाउन से पहले एनी का प्रयोग किया जाता है। तो एक ये छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे एनी
का प्रयोग होगा। देखिए आगे दूसरा सेंटेंस, यू डोंट लिसन एनी सॉन्ग। यहां पर भी हमारे वाक्य में नॉट दिया गया है, और जब वाक्य नॉट आ गया है, नेगेटिव हो गया है, तो हम सॉन्ग से पहले एनी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सॉन्ग क्या है, काउंटेबल नाउन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, जब दिया गया वाक्य प्रश्नवाचक हो, यानी कि इंटरोगेटिव हो, यानी कि हमारे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आपकी बात ध्यान ये रखना है कि नॉट नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सिर्फ वाक्य में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। और जब वाक्य में क्वेश्चन मार्क है, तो हम वहां पर किसी भी नाउन से पहले एनी लगा देंगे। ध्यान दीजिए, ये एक और छोटी ट्रिक है जो कि हमें एनी का रूल समझने में हेल्प कर सकती है। क्या करना है? क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है, और क्वेश्चन मार्क आने पर हम एनी लगाएंगे, नॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि नॉट आएगा तो फिर वो सम का रूल हो जाएगा, और हम यहां पर सम का रूल नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां एनी का रूल पढ़ रहे हैं। तो सेंटेंस कहता है, नियम कहता है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी लगाते हैं। देखिए, डू यू नीड एनी, लिखा है एनी बुक, क्यों? क्योंकि वाक्य में क्या आया है, क्वेश्चन मार्क आया है। हमारा वाक्य प्रश्नवाचक है और बुक क्या है, काउंटेबल है, इसलिए हम एनी का प्रयोग करेंगे। दूसरा वाक्य देखते हैं, लिखा है Have you seen any cow here? वापस से क्वेश्चन मार्क आ गया है, और काउ को हम काउंट कर सकते हैं, गायों को हम गिन सकते हैं, और इसलिए क्योंकि इसे गिना जा सकता है, इसलिए एनी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहां हम सम नहीं लगाएंगे, यहां हम एनी का प्रयोग करेंगे। देखिए अब अगला सेंटेंस, अगला रूल क्या कहता है एनी का, लिखा है जब दिए गए वाक्य में कोई भी, कभी भी और कुछ भी का अर्थ निकलता हो, ये तो वाक्य साधारण वाक्य होगा, और तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एनी का। अब देखिए यह एक एक्सेप्शन है, हिंदी में कहते हैं अपवाद है, वाक्य साधारण है, हमारा दिया गया वाक्य कैसा है, साधारण है, फिर भी हम एनी लगा रहे हैं। कब? जब हमारे वाक्य में कोई भी, कभी भी और कुछ भी का भाव आ जाता है। जी हां स्टूडेंट्स, यहां पर आप इन सेंटेंसेस में इनको पढ़ने के बाद में उसका अर्थ आपको पता लगाना होगा, उसके ट्रांसलेशन आपको करनी होगी, हिंदी करनी होगी, और फिर आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कहता है, एनीवन कैन हेल्प द पुअर, कोई भी गरीबों की मदद कर सकता है। कोई भी, कुछ भी, कभी भी का जब अर्थ आएगा तो साधारण वाक्यों में भी एनी लग जाएगा। यहां देखिए, यहां पर हम देखते हैं एनी शब्द लिखा हुआ है, लिखा है एनीवन, कोई भी, कभी भी, कुछ भी का अर्थ जब आ जाए तो हम साधारण वाक्यों में भी एनी का प्रयोग कर सकते हैं। बोल के नहीं किए, क्या होता है, कोई भी ऐसा ही अर्थ होगा, या कुछ कुछ लोग गरीबों की मदद कर सकते हैं ऐसा कहा जाता है। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा कहा जाता है कोई भी जरूरतमंदों की, गरीबों की मदद कर सकता है। तो हम लोग इस सेंटेंस को पढ़ने के द्वारा इसके सेंस को, इसके भाव को समझते हैं। अगला वाक्य देखते हैं, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो, तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो। वाक्य का अर्थ यह आ रहा है, तो कभी भी के अर्थ में ठीक है क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं। आप अपने फ्रेंड से क्या कहते हैं, तुम मुझे कभी कभी बुला सकते हो? नहीं, हम क्या कहते हैं, तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो, जब भी जरूरत पड़े तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो। आप ऐसे नहीं कहते, तुम मुझे कभी कभी बुला लेना, है ना। तो इसलिए हम इसके वाक्य के भाव को समझेंगे। यहां पर वाक्य का भाव कहता है कि ये कभी भी का अर्थ दे रहा है, हालांकि वाक्य हमारा साधारण है, साधारण होने के बावजूद भी हम यहां पर एनी का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाक्य में कभी भी का सेंस आता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्य आने पर आप उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, और फिर वहां पर यह एनी का प्रयोग करें। चलिए एनी का हम आखिरी रूल पढ़ते हैं, क्या लिखा है, लिखा है जब वाक्य में विदाउट दिया गया है, हमारे वाक्य में विदाउट दे दिया गया है, और उसके बाद हमें
किसी डिटर्मिनर्स को लगाने के लिए कहा गया है, तो ऐसे में हम हमेशा एनी लगाते हैं। तो ये जो विदाउट है, ये एक प्रकार का हमारा कीवर्ड है। इसके द्वारा हम ये समझ गए कि भाई साहब विदाउट तो अपने साथ अपने बेस्ट फ्रेंड एनी को ही लेकर आते हैं। तो यहां पर हमने देखा विदाउट का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन बैठा है, एनी बैठा है। क्यों? क्योंकि यह हमारा एक कीवर्ड है और कीवर्ड की उपस्थिति में हम एनी लगाते हैं। ये भी हमारी एक प्रकार की ट्रिक है। लिखा है बुक्स इम्पार्ट नॉलेज विदाउट एनी टीचर, बिना किसी टीचर के किताबें क्या करती हैं, नॉलेज देती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम समझ गए कीवर्ड की उपस्थिति में एनी शब्द का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और एग्जाम्पल जिसके द्वारा एनी का प्रयोग समझा जाता है। लिखा है He gets a medal without any coach। यहां पर फिर से एनी का बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ है सेंटेंस में और उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ में वो अपने फ्रेंड को ही बिठाएगा और उसका फ्रेंड कौन है भाई, एनी है। तो अपने फ्रेंड को लेकर आया है और इस तरह से हमने जान लिया कि कौन आ गया है, एनी आ गया है। आगे देखें अगला सेंटेंस, अगला रूल क्या कहता है एनी का। कहता है जब वाक्य में नकारात्मक क्रिया विशेषण हो तो वहां पर एनी का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे वर्ड हम इसको साधारण शब्द में समझते हैं कि जब हमारे वाक्य में कोई नेगेटिव वर्ड आ जाएगा तो हम वहां पर एनी लगा देते हैं। देखिए यहां पर ब्रैकेट में कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स दे रखी है, यानी कि क्रिया विशेषण दिए गए हैं जो कि कैसे हैं, नेगेटिव है। जैसा मैंने आपको कहा कि आप इसे नेगेटिव वर्ड्स भी समझ सकते हैं। लिखा है हार्डली, स्केर्सली, बेरली, नेवर, नीदर, नॉर, सेल्डम, टू और नथिंग। जब ये सारे शब्द हमारे वाक्य में आ जाए, इनमें से कोई शब्द हमारे वाक्य में आता है तो सेंटेंस अपने आप नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव होने के अर्थ में हम एनी का प्रयोग करेंगे। लिखा है शी हैज हार्डली एनी न्यू ड्रेस। तो हमने देखा कि वाक्य में हार्डली शब्द आया है। हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब है और नेगेटिव एडवर्ब होने के नाते यहां पर अपने साथ में एनी को लेकर आता है। दूसरा देखिए यू हैव नेवर कंपोज्ड एनी पोयम। वापस से देखिए नेवर शब्द आया है। नेवर क्या है, एक नेगेटिव एडवर्ब है और नेगेटिव एडवर्ब होने के साथ में हम लोग एनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव वर्ड एनी था। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगला वर्ड क्या है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए अगला जो वर्ड है वह है फ्यू। अगला वर्ड आता है हमारा फ्यू। फ्यू का अर्थ होता है कुछ। फ्यू का अर्थ है कुछ और फ्यू क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड है जो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा नाउन जो क्या है, काउंटेबल है और वो क्या होना चाहिए, वह प्लूरल होना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या लिखा गया है। पहला वाक्य, जब वाक्य में न के बराबर का सेंस हो तो फ्यू लगाते हैं। ठीक है, जब हमारा सेंटेंस ऐसा है जिसमें हम किसी ऐसी संख्या को बता रहे हैं जिसका होना न के बराबर हो, जिसका होना कोई मायने नहीं रखता हो, जिसके होने से हमारे वाक्य का उद्देश्य पूरा न हो, तो हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। देखिए लिखा है फ्यू स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द एग्जाम, यानी कि कुछ ही विद्यार्थी एग्जाम को अटेंड करने के लिए आए। यहां पर हम देखते हैं कि जो फ्यू है वह क्या है, ऐसी संख्या बता रहा है जिसका होना या ना होना क्या है, बराबर है, उसके होने या ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बढ़े, लिखा है फ्यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस, बहुत कम है जो बलिदान के लिए तैयार रहते है, बहुत कम है जो बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। यानी बलिदान के लिए तैयार रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, न के बराबर है और जब संख्या न के बराबर आएगी तो क्या लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए अगला रूल जो है वह फ्यू से ही संबंधित है, लेकिन यहां पर हम
कुछ परिवर्तन इसके अंदर पाते हैं। यहां पर क्या लिखा है, ए फ्यू, अगला वर्ड है ए फ्यू। देखिए फ्यू जो था वह नेगेटिव वर्ड था, लेकिन ए फ्यू जो है वह एक पॉजिटिव वर्ड है। दोनों का अर्थ जो है वह समान ही होता है, दोनों का अर्थ एक ही है, परंतु दोनों के नेचर में फर्क है। जो फ्यू है वह नेगेटिव है और जो ए फ्यू है वह पॉजिटिव वर्ब है, वर्ड है, और इसका प्रयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। ऐसा नाउन जो कि प्लूरल भी हो और जो कि काउंटेबल भी हो, उसके लिए हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जांपल यहां पर हम लिखते हैं, ए फ्यू बॉयज अटेंड द फर्स्ट डे क्लास। तो हमने यहां पर लिखा कुछ लड़कों ने पहले दिन की क्लास को अटेंड किया है, यानी कि इतने लड़के हैं जिससे हमारा उद्देश्य क्या होता है, पूरा होता है। हमारा उद्देश्य क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है, यानी कि क्लास लग चुकी है। फर्स्ट डे की जो क्लास है वो लग चुकी है, और इसी कारण से हमने यहां पर ए फ्यू का प्रयोग किया है। एक एग्जांपल और देखें, शी गेव मी ए फ्यू स्टैम्प्स फॉर माय कलेक्शन। यह लिखा है उसने मुझे मेरे कलेक्शन के लिए कुछ कुछ स्टैंप्स को दिया। तो यहां हमने देखा हमारे वाक्य में स्टैंप्स को हम काउंट कर सकते हैं, और स्टैंप्स किसके लिए हैं, कलेक्शन के लिए हैं, और स्टैंप्स की जो संख्या है वो प्लूरल है, इस और उससे जो कलेक्शन का उद्देश्य है वह पूरा हो रहा है, इसलिए हम यहां पर ए फ्यू का प्रयोग करेंगे। देखिए आगे लिखा है, अगला रूल इसका पढ़ते हैं। अगला रूल क्या कहता है, द फ्यू, द फ्यू यानी कुछ, लेकिन अब की बार जो विशेष जो कुछ है वह कैसा है, विशेष है। अब की बार जो कुछ है वह कैसा है, विशेष हो गया है, यह किसी न किसी अर्थ में विशेष है। यहां पर हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, लिखा है देखिए पहला ये रूल क्या कहता है, लिखा है जब वाक्य में वहां उपलब्ध सभी कुछ का भाव दिया गया हो, सभी कुछ का भाव दिया गया हो, तब द फ्यू का प्रयोग करेंगे। यानी जो भी कुछ है वह कैसा है, विशेष है। वहां पर उपस्थित तमाम नाउन, हर प्रकार के नाउन की बात की जा रही है, और यह नाउन कैसा है, यह नाउन स्पेशल है, विशेष है, और विशेष के अर्थ में हम लोग द फ्यू का प्रयोग करेंगे। देखिए क्या लिखा है, शी हैज गॉन थ्रू द फ्यू बुक्स शी हैज, उसके पास जितनी किताबें थी उन सबको उसने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। तो विशेषता क्या है कि उसके पास जितनी किताबें थी, शी हैज यानी जितनी भी किताबें थी उसमें से उसने क्या कर दिया, सबको पढ़ डाला है। तो क्योंकि सबको पढ़ डाला है, विशेष अर्थ के लिए हम द फ्यू का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यू हैड लॉस्ट द फ्यू कॉइन्स योर अंकल हैड गिवन यू, तुमने उन सिक्कों को खो दिया जो तुम्हारे अंकल ने तुम्हें दिए थे। तो स्पेशल क्यों है, स्पेशल इसलिए है क्योंकि अंकल ने दिए हैं, और किसकी बात कर रहा है, कॉइन्स की बात कर रहा है। कॉइन्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, और क्योंकि ये विशेष है अंकल के द्वारा दिए गए हैं, तो क्या आ जाता है, द फ्यू आ जाता है। अर्थात अब यह कॉइन क्या हो गए हैं, स्पेशल हो गए हैं, विशेष हो गए हैं, और सभी कॉइन्स की बात की जा रही है, तो यहां पर हम द फ्यू का प्रयोग करेंगे। तो देखा स्टूडेंट्स किस प्रकार से हम छोटी छोटी ट्रिक्स का प्रयोग करके, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के इन डिटर्मिनर्स को बड़े ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में हम इसके अगले डिटर्मिनर्स के बारे में और अधिक गहराई से और आसान तरीके से समझेंगे। तब तक
अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और अपने समय का अच्छे से प्रयोग कीजिए। थैंक यू वेरी मच।